नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी फॉर जीनियस में। तो दोस्तों, देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी खबरें सामने निकलकर आ रही है। सरकार की तरफ से कौन कौन से नए नियम यहां पर लागू किए गए हैं और सरकार ने आपके लिए कौन से नए रूल यहां पर बनाए हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है। तो भाई, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको सारी जानकारी यहां पर मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप मेरे साथ जानने वाले हैं कि यहां पर दोस्तों आपके लिए जो बस ट्रेन है वो यहां पर कब से चलने वाली है, सरकार ने दोस्तों आपके लिए बस और ट्रेन कब से चलाने का फैसला किया है, और दोस्तों यहां पर आपका जो लॉकडाउन है वो दोस्तों मई से पहले हटेगा या नहीं, इनके लिए दोस्तों नए नियम यहां पर बनाए गए हैं। सरकार आपके लिए हर संभव दोस्तों काम कर रही है। 20 अप्रैल के बाद आने वाली है। जी दोस्तों, 20 अप्रैल के बाद दोस्तों आपको बहुत ही बड़ी छूट यहां पर मिलेगी। क्या दोस्तों आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा या वायुयान सेवा यहां पर शुरू होंगी या नहीं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जो रेल है वो कब से शुरू होंगी, आपको दोस्तों इस वीडियो में आप मेरे साथ जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, इन जगहों पर 20 अप्रैल से दी जा सकती है लॉकडाउन में ढील, कल दिशा निर्देश जारी करेगी सरकार। जी दोस्तों, 20 अप्रैल के बाद आपको बहुत बड़ी छूट यहां पर मिलेगी। लॉकडाउन संबंधित दोस्तों सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मेरे साथ मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 20 अप्रैल के बाद दोस्तों आपको क्या छूट मिलेगी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लॉकडाउन की गाइडलाइन, 20 अप्रैल से इन्हें छूट, किसानों, किराना दुकानों, फल सब्जी, डेयरी, मीट मछली आदि सबको दोस्तों इसमें छूट मिलेगी। कुरियर, ई कॉमर्स यानी कारपेंटर, इनको दोस्तों छूट मिलने वाली है और 3 मई तक इन पर पाबंदी। रेल, मेट्रो, ट्रेन, बसें, विमान सेवाएं, ऑटो रिक्शा, कैब सेवाएं, सिनेमा हॉल, इन पर दोस्तों सब पर पाबंदी रहेगी। जिम, बार, स्कूल सब दोस्तों बंद रहेंगे, ये सेवाएं रहेंगी जारी। बैंक, ATM, पेट्रोल पंप, रसोई गैस, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, ये दोस्तों सब जारी रहेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो 20 अप्रैल के बाद दोस्तों आपको बहुत ही बड़ी छूट यहां पर मिलने वाली है। सरकार दोस्तों आपको 20 अप्रैल के बाद बहुत यहां पर छूट देने वाली है लॉकडाउन में, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। सरकार ने दोस्तों नए नियम आपके लिए यहां पर लागू कर दिए। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, जिससे दोस्तों आपको बहुत ही बड़ा यहां पर फायदा हो सकता है। अब दोस्तों यहां पर बता दें, छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहां पर सामने निकलकर आ रही है। लॉकडाउन बाद परीक्षा में रिजल्ट का काम तेज करेगा SSC। जी दोस्तों, यहां पर SSC आपके लॉकडाउन के बाद परीक्षा में रिजल्ट का काम बहुत तेज यहां पर करने वाला है। कर्मचारी चयन आयोग ने दोस्तों यहां पर साफ कर दिया है कि यहां पर आपके लिए जो परीक्षा है उसका काम बहुत तेजी से कराया जाएगा और आपका जो रिजल्ट है उसे भी बहुत तेजी से यहां पर वायरल किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, आपके लॉकडाउन के बाद यहां पर बहुत सारी चीजें आपको दोस्तों मिलने वाली है। 20 अप्रैल के बाद आपको नई नई चीजें यहां पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहां पर कोरोना वायरस की दवाई को लेकर भी कुछ दोस्तों नया मामला सामने आया है कि यहां पर राजस्थान सरकार ने यहां पर एक दवाई का निर्माण किया है, लेकिन वो दवाई अभी तक यहां पर पहुंच नहीं पाई है। यहां पर दवाई अभी जनता के पास तक नहीं पहुंच पाई है। इसका टेस्ट होना अभी बाकी है। इस पर अभी 10 लोगों पर टेस्ट किया गया था, जिसमें से इसमें 8 लोग ठीक भी हो चुके थे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। अगर आप सड़कों पर थूकते पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपको यहाँ पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है और आपको जेल भी यहाँ पर हो सकती है। तो सरकार के बहुत बड़े नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। और दोस्तों, ये जो बाजार है आपके, ये भाई 3 मई से पहले खुलेंगे या नहीं, तो आपको बता दें, सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई आपकी जो ट्रेनें हैं वो सरकार ने 3 मई तक सारी रद्द कर दी है। दोस्तों, ट्रेनें आपकी सरकार ने 3 मई तक के लिए सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिससे कि दोस्तों आप अपने घर पर यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। और सरकार ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सड़कों पर घूमता पाया जाता है उसके लिए ई पास जरूरी होगा। या दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए सब्जी की दुकानें और आपके लिए जरूरतमंद की दुकानें सारी यहाँ पर खुली रहेंगी। वो दोस्तों 20 अप्रैल के बाद उनमें आपको छूट देने को मिल सकती है। तो 20 अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत ही बड़ी सेवा यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बसें और ट्रेनें रद्द की गई हैं। ये दोस्तों, आप 3 मई तक के लिए अपने घर पर नहीं जा सकते हैं। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि 3 मई तक यहाँ पर कोई भी ट्रेन बसें यहाँ पर नहीं चलाई जाएंगी, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर यात्रियों को कोई दिक्कत हो, इसलिए उन्होंने पहले दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिया है। और दोस्तों, बांद्रा टर्मिनल पर जो यहाँ पर फेक न्यूज दोस्तों वायरल की गई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि आपकी ट्रेन चल गई है, ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। आपकी ट्रेनें 3 मई तक के लिए रद्द कर दी गई हैं, ऐसा दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से बताया गया है। जी दोस्तों, बिल्कुल राइट आप दे रहा हूँ। अगर दोस्तों आप चाहते कि किसी प्रकार से मैं आपके लिए न्यूज दिलाता रहूँ, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आपके मोबाइल पर दोस्तों डेली अपडेट मिलता रहेगा लॉकडाउन से संबंधित। और दोस्तों, यहाँ पर मेट्रो, ट्रेन वगैरह सब दोस्तों यहाँ पर बंद है 3 मई तक के लिए, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस अभी दोस्तों भारत में बहुत तेजी से पैर पसार रहा है और इसी का दोस्तों अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। इसको देखते हुए सरकार ने 20
अप्रैल के बाद कुछ राहत के यहाँ पर सांस दी है, जिससे कि आप यहाँ पर अपना काम आसानी से कर सके। और रेल की तो दोस्तों बात यह है कि रेल 3 मई तक के लिए सारी बंद कर दी गई, और आपका जो पैसा है वो सरकार दोस्तों वापस करेगी। आपने जो टिकट खरीदा था उसका पैसा भी सरकार आपको वापस करने वाली है। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो पुलिस है वो दोस्तों आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहेगी। यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी दोस्तों 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉकडाउन लगा है इसको देखते हुए सरकार ने सारे जो निर्देश है वो पालन करने के लिए कहा है सभी से। और यहाँ पर आपको घर से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल दोस्तों मना किया है। आपके लिए जो जरूरत के सामान है वो आपको मिलता रहेगा। सरकार ने आपके लिए यहाँ पर गैस सिलेंडर और राशन सभी को फ्री कर दिया है। या फिर उज्ज्वला योजना के तहत जो आपके सिलेंडर आते थे उनको सरकार ने फ्री कर दिया। 3 महीने तक आपको सिलेंडर घर पर मुफ्त मिलेगा, और आपके लिए जो पैसा है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में सरकार यहाँ पर भेजने वाली है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी खबर। अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको हमारी हर वीडियो टाइम पर मिल सके। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।